उसी में फोटो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इमिशन कॉल्ड वर्क फंक्शन. ध्यान से देखिए, अगर ये आपका कोई मेटल का प्लेट है, इस मेटल के प्लेट पे अगर कोई लाइट आता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इस पे पड़ता है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे पड़ने के बाद तुरंत इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होने लगे, रिलीज होने लगे, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी. मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ए एनर्जी व्हिच हैव ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल. ठीक है, किसी भी मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी. और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, वेव वर्क फंक्शन. क्यों, क्योंकि जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई किसी सरफेस पे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब हमने वर्क किया. तो जब हमने वर्क किया तो वर्क मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, या वर्क इक्वल टू एच म्यू. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज आल्सो नोन एज वर्क फंक्शन एच म्यू. अब इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इस इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है इज मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो किसी मेटल के सरफेस पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलती है. मान लीजिए इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपका 1 μ है. मान लीजिए जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 μ है. तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तब एक्सिस एनर्जी इज इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी. तो कितना एनर्जी बचा, दो बोल्ट की एनर्जी बची ना, 2 μ की एनर्जी बची ना, वह 2 μ की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट रहेगा काइनेटिक एनर्जी के प्रेजेंट. फिर से देखिए, फिर से समझिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल. किसी मेटल के सरफेस में से मेटल को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं. मान लीजिए कोई लाइट आया इस मेटल के सरफेस पे पड़ा जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, अगर उस फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे पड़ती है तो भी एनर्जी निकले, तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा. क्यों, क्योंकि उसमें इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है. तो बाकी जो फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो बची हुई है उसका क्या होगा, उसका जो है उस इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट हो जाएगा किस रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में. काइनेटिक एनर्जी के रूप में मतलब जो हमने वर्क किया वह H μ0 और प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब लाइट के पास वेव और पार्टिकल्स दोनों का ही नेचर है. यह है आपका फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में. इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल फिजिक्स में पढ़ेंगे, बस आपको इतना इसमें पढ़ना था. अब हम आपको शुरू करेंगे बोर मॉडल. लेकिन बोर मॉडल को पढ़ने के पहले आप लोग पढ़िए स्पेक्ट्रम, कि स्पेक्ट्रम क्या होता है. क्यों, क्योंकि बोर का मॉडल स्पेक्ट्रम पे क्या करता है, डिपेंड करता है. इस
इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए।